हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए नई ट्रिक लेके आई हूँ। तो जैसे कि आप स्टिचिंग करते समय आपका धागा इस तरीके से बैक साइड में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, और इसका भी हल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और एक और है, और जैसे कि आपका जो सिलाई करते समय इस तरीके से मतलब दाने निकल आ जाते हैं बैक साइड में या फ्रंट साइड में आ जाते हैं, तो इसका भी हल इस वीडियो में है, ठीक है। तो आप एंड तक जरूर देखिएगा, 2-3 मिनट की वीडियो है, स्किप मत करिएगा। तो इसका हल आपको इस वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो इसका क्या हल होता है, ठीक है, इस वीडियो में ज़रूर देखिए। देखिए इस तरीके से, वैसे तो यहाँ पे थोड़ा सा इकट्ठा हुआ है, पूरी लाइन ही इकट्ठी हो जाती है धागे की। तो इसका हल है, तो ये देखिए, ये फिरकी है, ठीक है, इसको बॉबिन भी बोलते हैं। और ये छोटी बड़ी मशीन में किसी भी में भी आप ये ट्रिक को मतलब कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखिए, इसमें से मैंने निकाला है, आपको फिर से मैं बता दूं कैसे इसकी कटिंग करनी है और कैसे इसका यूज़ करना है। तो आपकी जैसे फिरकी जो बाबिन है वो मतलब लूज़ हो जाती है, ठीक है, नई लाने की ज़रूरत होती है, तो इसको हम कैसे मतलब ठीक कर सकते हैं, आपको नई बाबिन लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से हमने बुकरम का एक पीस लेना है, उसका हमने इस तरीके से सर्कल बना लेना है, और एक बीच में से एक और मतलब होल बना लेंगे जो कि हमारा ये डब्बी में इस तरीके से फिट हो सके, ठीक है। तो इसको हमने इस तरीके से फिट कर देना है, अंदर की तरफ ऐसे प्रेस कर देंगे। तो एक तो ये हो गया, और एक दूसरा हम और देख इसमें करेंगे, जो हमारी फिरकी है उसमें हम लगाएंगे बुकरम का पीस। इस तरीके से हमने इसको कट कर लेना है, ठीक है। अब जो फिरकी है ना, इसको हम इस तरीके से नाप के देख लेंगे, ये पूरा फिट आना चाहिए, मतलब थोड़ा सा लूज़ ही आना चाहिए, पूरा फिट नहीं आना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा हम और छांट लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे भी हमने एक होल करना है जिससे हमारा धागा है जो यहाँ से निकल सके, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये देखिए इसका होल कर दिया। अब इसमें से हमने धागा पिरोना है, जो फिरकी का धागा है ना, इसमें से निकालेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी जो बॉबिन है वो मतलब लूज़ है, वो मतलब लूज़ नहीं रहेगी, अच्छे से फिट हो जाएगी इसमें बॉबिन। और बार बार आपका जो धागा है ना बॉबिन से निकल जाता है, मतलब डब्बी से निकल जाता है, वो नहीं निकलेगा। बढ़िया आप मतलब फिनिशिंग से आप सिलाई लगा सकते हैं। तो ये देखिए सिलाई लगा करके मैं दिखा रही हूँ, और बहुत ही फिनिशिंग से ये सिलाई लगेगी, ठीक है। तो छोटी बड़ी मशीन आप दोनों में ये ट्रिक को आजमा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए सिलाई कितनी अच्छी आई है, और फिर से मैं आपको लगा करके दिखाती हूँ। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए, अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, फिनिशिंग देखिए आप सिलाई की। थैंक्स फॉर